जैसा कि फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि ये सॉफ्टवेयर को हमें कहाँ से उठाना है, किसके अंदर बना हुआ है, थोड़ा बहुत इंट्रो दे दिया। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पता करना है कि जो ओपन टीपीएस की जो पाइथन लाइब्रेरी है, इसके एडवांटेज क्या है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है इसके सॉल्वर। इसके अंदर हमें चार सॉल्वर दिए गए हैं, जीएलपी के सॉल्वर, सीबीसी सॉल्वर, बोरोबी सॉल्वर और मोइजिक सॉल्वर। इन चारों सॉल्वर्स की अपनी अपनी खासियत है, अपने अपने एडवांटेज हैं। और जो सबसे पहला सॉल्वर है जिसका नाम है जीएलपी के सॉल्वर, अगर मैं जीएलपी के सॉल्वर में जाऊंगा तो ये जीएनयू लीनियर प्रोग्रामिंग किट होती है, जिसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लार्ज स्केल लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व कर सकता है, मिक्सड इंटीजर प्रोग्रामिंग को सॉल्व कर सकता है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी बड़े आसानी से। तो एक्सपेंशन प्लानिंग में बेसिकली अधिकतर अगर आप पेपर्स देखते हैं, पब्लिश पेपर देखते हैं, तो बहुत सारे रिसर्चर्स मेजोरिटी में आज भी एमआईपी को ही यूज कर रहे हैं और ये सॉल्वर बड़े आसानी से एलपी एंड एमआईपी को यूज करता है। इसके डिटेलिंग यहाँ पे दे रखी है, चेक कर सकते हैं। तो ये पहला सॉल्वर है। दूसरा सॉल्वर, अगर हमें इसको ये पसंद नहीं आता, हमें और हैवी में जा रहा है, तो सीबीसी है, जिसको कॉइन और ब्रंच एंड सॉल्वर बोलते हैं। इसके भी अपने एडवांटेज है, ये बहुत सारे सॉल्वर के कॉम्बिनेशन का है और ये मच एडवांस सॉल्वर भी है। इसके अलावा और ग्रुप की सॉल्वर भी है, मोजेक की सॉल्वर भी है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं, आप इनके बारे में डिटेल जान सकते हैं। ये चारों सॉल्वर इसके अंदर मौजूद होता है और हम ये भी देखेंगे कि इन सॉल्वर को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये आपके सॉल्वर्स हो गए। अब बारी ये आती है कि एक्चुअली हम वर्क करेंगे कैसे। तो इस सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जब मैं नेटवर्क ट्रांसमिशन एक्सपांशन प्लानिंग या जनरेशन प्लानिंग की बात करता हूँ, तो हमको सबसे पहले किसी भी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की जैसे इसको भी इनपुट देना पड़ेगा। तो पहली चीज, ये जो सॉल्वर बना है इसका जितना भी इनपुट होता है वो सारे का सारा इनपुट ये सीएसवी फॉर्मेट में लेगा हमसे, यानी हमें सीएसवी फॉर्मेट के अंदर सारा इनपुट देना है। इनपुट देने का मतलब है कि कहाँ पे जनरेशन हो रहा है, कहाँ पे एक्सपांड करना है, कितना मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी एक्सपेंशन प्लानिंग सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड इनपुट होता है वो सारा रिक्वायर्ड इनपुट हमें एक्सेल की फाइलों में देना है। ठीक है, अब बारी आती है इसको इंस्टॉल करेंगे कैसे हम। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि हम इसको ऑफलाइन वर्जन यानी हमारे डेस्कटॉप पे भी चला सकते हैं पाइथन को डाल के, और उस केस में हमें इसका पिप मोड को हम यूज करना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन है, हम इसको ऑनलाइन सर्वर से भी यूज कर सकते हैं। पाइथन के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये ऑनलाइन भी चलती है और इसके लिए बहुत सारे सर्वर्स अवेलेबल है। इनमें सबसे बेटर और सबसे ईजी सर्वर जो है उसका नाम है माई बाइंडर जुपिटर लैब। माई बाइंडर जुपिटर लैब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पाइथन के कोड्स को रन करने में या उसकी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करके रन करने में आपको एडवांटेज देता है और ये प्योर ऑनलाइन सर्वर पर वर्क करता है। करना कुछ नहीं है, माई बाइंडर जुपिटर लैब पर जाना है, इसको ओपन करना है। जैसे मैं माई बाइंडर जुपिटर लैब को ओपन करूंगा तो आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे बिल्ड एंड लॉन्च है, रेपोसिटरी आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आप जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप इस सर्वर माई बाइंडर पे चलाना चाहते हैं तो आपको उसको बिल्ड और लॉन्च करना पड़ेगा। तो मेरी जो प्रोग्राम रेपोसिटरी है वो बेसिकली है क्या, मेरी जो रेपोसिटरी है वो बेसिकली ओपन टीपीएस है जो गिटहब पे पड़ी हुई है। तो ये गिटहब पे होने का मतलब है ये पब्लिक डोमेन है, हर प्रकार से ऑथेंटिक है। अब मुझे करना क्या है, कोड वाले ऑप्शन में जाऊंगा, यहाँ आप देखेंगे एक लिंक है, इस लिंक को कॉपी करूंगा, बाइंडर पे जाऊंगा और गिटहब वाले लिंक वाले ऑप्शन में इसको पेस्ट करूंगा और इसको लॉन्च कर दूंगा। जैसे मैं इसको लॉन्च करूंगा तो आप देखेंगे गिटहब अब इसको क्या करने जा रहा है, इसको लॉन्चिंग मोड में लेके जा रहा है और ऑनलाइन ही आपके ओपन टीपीएस सॉल्वर को लॉन्च कर देगा। इसके लिए मैंने स्टेप्स भी कॉपी कर दिए, अगर मैं ये इमेजेस भी आपसे शेयर कर दूंगा, इसके अंदर पूरी स्टेप्स दी गई है कि अगर हमें इसको सॉरी अगर हमें इसको इंस्टॉल करना है तो हम किस प्रकार से इंस्टॉल करेंगे। इसके अंदर मैंने बाइंडर माई बाइंडर डॉट ओ आर जी वाले ऑप्शन का इंस्टॉलेशन का पूरा दिया। ये पूरा इंस्टॉलेशन पाथ आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप ओपन टीपीएस की लाइब्रेरी को पाइथन में यूज कर सकते हो। ये इजी स्टेप है, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जब ये पूरा इंस्टॉल हो जाएगा तो ये लॉन्चिंग करने लगेगा। लॉन्चिंग करने के बाद ये कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा, माई बाइंडर डॉट ओ आर जी, और ये आपका वो पर्सनल पाइथन का लॉन्चर हो गया है जिसमें आप पाइथन से रिलेटेड सभी काम कर चुके हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं आपको ये वाला जो लॉन्चर दिखा रहा हूँ या करने दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली ओपन टीपीएस की लाइब्रेरी के साथ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने ये सारे स्टेप्स को फॉलो किया है जो भी मैं आपको शो कर रहा था। ये सारी स्टेप्स को मैंने क्या किया है, फॉलो किया है। इस वजह से अब मेरा ये जो जुपिटर लैब है ये मेरा ओपन हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब
यहाँ से हमारा वर्क स्टार्ट होता है। तो सबसे पहली चीज, जब भी आपको ओपन टीपीएस में वर्क करना है, सबसे पहले आपको जो भी इनपुट डाटा आपको सॉल्वर को देना है वो इनपुट डाटा एक फोल्डर में देना होगा। तो मैं यहाँ पे फोल्डर बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक ट्यूटोरियल डेवलप कर रखा है तो उस फोल्डर का मैंने नाम दे दिया 9N। N का मतलब होता है नोड, N का 9 नोड की एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमने एक 9 नोड डेवलप करके उसका एक्सपांशन ट्रांसमिशन प्लानिंग हम करना चाह रहे हैं, तो मैंने फोल्डर बना दिया 9N नाम का। अब इस 9N नाम के फोल्डर में वो सारी इनपुट CSV फाइल्स मुझे डालनी है जिनको हमारा TPES सॉल्वर सॉल्व करेगा। वो सारी की सारी इनपुट फाइल्स हमने स्टूडेंट के जो टाइटल है इलेक्ट्रिकल थीसिस वाला, उसके फोल्डर ओपन TPES पाइथन के अंदर मैंने डाल दिया। ये देखिए यहाँ पे जब मैं इसको खोलूंगा तो यहाँ पे 99 नाम का फोल्डर बना हुआ है, और इस 99 नाम के फोल्डर के अंदर ये वो इनपुट फाइल्स है 38 जो हमें देनी है। बहुत ही रिच डाटा लेता है ये, बहुत ही रिच डाटा लेता है और बहुत ही ज़्यादा बेटर सॉफ्टवेयर है एडवांस लेवल पे अगर आपको एक्सपेंशन प्लान के ऊपर वर्क करना है। तो मैं करने क्या जा रहा हूँ, ये 99 का मैंने फोल्डर खोला और अब यहाँ पे मुझे मेरी वो फाइल्स को अपलोड करना है जो मेरे इस फोल्डर 99 के अंदर रखी हुई है, और मैं इन सारी फाइल्स को इसके अंदर अपलोड कर दूंगा। अब इस इन फाइल्स की डिटेलिंग मैं अभी दूंगा तो मैं काफ़ी लंबा चौड़ा वो करना पड़ेगा, पर इन फाइल्स में से मैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल्स आपको जरूर दिखा देता हूँ जिनके अंदर हमें डेटा को इनपुट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल जनरेशन, अब मेरे को जनरेशन से रिलेटेड अगर डेटा को इनपुट करना है तो जैसे मैं इसको यहाँ पे ओपन करूँगा तो आप देखेंगे नोड CSV फॉर्मेट है, इसके अंदर किस टाइप के आप जनरेशन के पावर प्लांट्स हैं, किन किन नोड से वो जुड़े हुए हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं, ऐसा बहुत सारा इसमें एक्सेसिव डाटा है और ये बहुत ही बड़े स्केल पे प्रोजेक्ट सॉल्व करता है। इसमें बहुत सारी चीजें जो आपकी काम की नहीं, आप उनको ब्लैंक छोड़ सकते हो, कोई एरर नहीं आती है। जिस कैटेगरी का या जिस लेवल का आपको रिसर्च करना है उसी लेवल का आप डाटा इसमें डाल सकते हो, बट ये बहुत ही डिटेल्ड है। इसी प्रकार से जनरेशन के अलावा अगर मैं नेटवर्क यानी एक्सपांशन या ट्रांसमिशन की बात करूंगा, कौन सा नोड किससे जुड़ा हुआ है, लाइन का टाइप क्या है, ये सब इसमें डिटेलिंग में आप फिल कर सकते हैं। डिमांड क्या है आपकी, आपको कितने साल तक के लिए सिमुलेट करना है, वो सब चीज़ें भी आप इसके अंदर बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। तो हम देखते हैं ये डिमांड, ठीक है, शायद कोई इशू हो गया है। तो ये इस प्रकार से इसके अंदर हमको पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं अपन। तो आई थिंक टाइम क्यों ले रहा है ये, हाँ ये देखिए, अब पैरामीटर्स में जाऊंगा तो ENS कॉस्ट क्या है, CO2 कॉस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। बट समस्या ये आती है कि जब हम ENS कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो ये ENS कॉस्ट होती क्या है, तो इसके लिए भी इन्होंने बड़ा अच्छा वो दे दिया है। अब अगर मैं जनरेशन की बात कर रहा हूँ तो जो भी मेरी CSV फाइल में टर्मिनोलॉजीज है उन सबकी डिटेलिंग भी इन्होंने दे रखी है। तो अब मैं जब ट्रांसमिशन नेटवर्क की बात करता हूँ तो लाइन टाइप का मतलब क्या होता है, स्विचिंग का मतलब, जो वहाँ पे हमें दिख रहा है बेसिकली, यहाँ पे जो हमें दिख रहा है वो सारा इन्होंने यहाँ पे अच्छे से समझा रखा है, तो कोई इशू नहीं है। तो अब हमारे मुद्दे पे आते हैं, हमने एक फोल्डर बनाया था उसके अंदर हमने हमारी वो सारी इनपुट फाइलें डाल दी हैं जिनको ये सॉल्वर सॉल्व करेगा। तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि ये कितनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अब उसके बाद बारी आती है पाइथन की, उस रनिंग फाइल को लेके आना जिससे पाइथन रन होने वाला है। तो मैंने पाइथन की फाइल्स को भी डेवलप कर रखा है और यहाँ पे मैंने इजीनेस के लिए मैंने एक नाम उसको दे दिया openTEPES इंट्रो। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो ये आपको फैसिलिटी दे देगा openTEPES की पाइथन, ये जो .ipnyb होती है ये बेसिकली पाइथन को रन करने वाली एक फाइल होती है। इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको कैसे चलाना है, तो ये इसका डिटेल में इन्होंने दे दिया है हम लोगों ने, और इसको हम स्टार्ट यहाँ से कर देंगे। तो बेसिकली समझाने का फंडा यही है कि हमें माई बाइंडर पे जाना है, जुपिटर लैब पे जाना है, जो पाइथन को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होती है। इसके अंदर जाकर openTEPES को हमें इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के मैंने स्टेप्स सारे बता दिए हैं। उसके बाद आपको वो सारे इनपुट CSV फाइल्स यहाँ पे डिजायर्ड लोकेशन पे डाल देनी है, और उसके बाद फिर आपका पाइथन को स्टार्ट करने के लिए आपको वो INPNB फाइल खोल लेनी है, और केवल आपको fromTPS ये इसको स्टार्ट करने वाला बोर्ड है, इसको स्टार्ट कर देना है। उसके बाद आपके डायरेक्टरी और वो सब आ जाएंगे, तो ये डिटेलिंग हो जाएगी। और ये सब करने के बाद आपका सिमुलेशन स्टार्ट होगा। इसके अंदर सिमुलेशन 4 से 5 घंटे चलने वाला है, क्योंकि जो 9 नोड्स हैं उनके अंदर जनरेशन और ट्रांसमिशन दोनों ही अवेलेबल हैं, और डिटेल्ड डाटा है 2020 से 2050 के बीच का, हमने सिमुलेशन पीरियड इसमें डाल दिया है।
और ये सारा करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आता है। तो बेसिकली इस इंट्रो में बस हम यही बताना चाह रहे थे कि हमने जो लाइब्रेरी यूज की है, सॉफ्टवेयर यूज किया है, वो ओपन टीपीएस है, जो कि बेसिकली आपका एक्सपांशन प्लानिंग सिस्टम के लिए वर्क करता है। इसकी डिटेलिंग आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि 2020 और 21 में आया है, लेटेस्ट सॉल्वर है। इसके ऊपर पब्लिकेशन बहुत ही लिमिटेड पब्लिकेशन है, तो बड़े आसानी से अच्छे पब्लिकेशन हम इसमें से निकाल सकते हैं। थैंक यू।